अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अभी मैं इस वक्त फ्रंट रोड पे मौजूद हूँ, लेटर हाउस में। मेरी हम लोग फैमिली डिनर के लिए आए हैं। वीकेंड पे हमारा जो है हमेशा डिनर होता रहता है, तो यहाँ पे हमेशा जो है ना लेटर हाउस पे जो लेटर देख देख के बड़ा टेम्पटिंग सा लगता था, तो आज फाइनली हम लोग का प्लान बन गया और यहाँ पे आए हैं। मैं आपको इसका मेन्यू दिखाती हूँ, इसका एम्बियंस दिखाती हूँ। एम्बियंस बहुत ज़्यादा फैमिली का जो है पूरा हॉल बना हुआ है और बाहर की साइड में जो है लोग बैठे हुए हैं और बहुत रौनक सी है पूरी फ्रंट रोड पे। आगे जाके मैं वो भी दिखाऊंगी और यहाँ पे मैं आपको हम भी आते हैं, तो स्टेट ये जो प्लेटर है ना, अफगानी बूटी प्लेटर है। वही ग्रिल हिडन सेवन में राइस कोनी को खाली ही है। राइस आ रहा क्या? राइस आ रहा कोनी नहीं कोना होके ही शिमारी। ठीक शिमारी प्लेटर नहीं मेरी प्लेटर। Yeah.
हर की तैयारी मैंने आपको दिखाई है बहुत अच्छे तरीके से. मतलब आप इस जगह पे आएंगे ना, आपको खुद दिल चाहेगा कि ये प्लेटर आप ट्राई करें. तो अभी हम अपने प्लेटर का वेट कर रहे हैं, ऑर्डर हो चुका है, आ जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ. बाहर की तैयारी मैंने आपको दिखा दी है, तो कमेंट्स में बताते रहिए कि कैसी लगी. उसके बाद जो है ये खाने पीने के बाद जो है हम बाहर ही आपको दिखाएंगे ब्रंच रोड, जो कि कराची का मशहूर और जो है बहुत ही पुरानी स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट. तो वहाँ की सड़क रहेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे. स्टे ट्यून्ड. ये देखें, ये आ गई हैं हमारी फ्राइज, बच्चों के लिए मंगवाई हैं. ये आ गया बर्गर और रोल. फ्राइज फ्राई करके देखते हैं भाई. नजर तुम और डेकोरेशन किस उमर का. ये फ्राइज इतनी मजे की है, सीरियसली बहुत ही यमी. आप देखते हैं प्लेटर कैसा. हैप्पी फेस. ये हुरिया डेकोरेशन कर रही हैं. क्या बना रही हैं. ये देखें जी हमारा प्लेटर बहुत बड़ा सा. और हम अभी ये खाएंगे. लेट्स ट्राई के ये टेंडर. बहुत ही टेंडर चिकन है भाई, बहुत बिल्कुल इतना सॉफ्ट सा. हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है. हमारा जो ऑर्डर वो काफ़ी मतलब 40 मिनट तकरीबन लेट आया है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सा लग रहा है. अब चख के बताते हैं आप. था कि चार लोगों का है, लेकिन चार लोगों का नहीं था भाई. और जाम करने मेरे ख्याल से हम लोग जैसे तो जाम लोगों के लिए है. और हम लोग ने थोड़ा सा खाया, उसके बाद बस पार्सल करवाया. अब हम जा रहे हैं मीठे की तरफ. जी तो अब मैं बाहर निकल आई हूँ. हम लोग जो है अब जा रहे हैं गाजर का हलवा लेने. उस तरफ जो है छोटे गुलाब जामुन बहुत मजे के मिलते हैं. और इस तरफ यही तरफ पीछे मेरे ये फूड स्ट्रीट में कुछ चीज़ें हैं. यहाँ पीछे फूड स्ट्रीट है पूरी, और बहुत बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा कि इवन कि मेरे ख्याल से आवाज़ भी सही नहीं आ रही होगी. तो चलते हैं. चलें जी, हम जो है गुलाब जामुन छोटी सी, और इसके अलावा गाजर का हलवा.
चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हैपनिंग स्ट्रीट। तू आ गया अभी तो। यहाँ से लेंगे हम गुलाब जामुन और गाजर का हलवा। मैं आपको दिखाती हूँ, इसके सामने ही इसका सामान रखा हुआ है। वो तो ये आवाज जो है मुंह से निकाल रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? और जमाल शाह बंस रोड पर एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब हैं। आप बंस रोड आया करें और यहाँ पर खूब खाएं पिएं और इंजॉय करें और मुझसे मिलकर जाया करें। अपनी बर्थडे में आप चाहें तो मुझे बुला सकते हैं, इसमें मैं मैजिक शो करता हूँ, जगलिंग शो करता हूँ, बच्चों के लिए फैमिली शो होता है। तो मेरा नंबर आप अपने पास लिख लें, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बुला सकते हैं। 03414517850 ये मेरा नंबर है, आप जब चाहें मुझे बुला सकते हैं। जी, मैं वीडियो में भी ऐड कर लूँगी इसका नंबर। थैंक यू। शो की वीडियो बनाएं। भाई इनको कोई शो पे बुलाना चाहे तो आप इस नंबर को, मैं स्क्रीन पे आपकी नंबर आ जाएगा, आप उस पर जो है कांटेक्ट करके जमाल शाह को बुला सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त इंसान है और ये आवाज़ जो अंदर से निकाल रहे हैं ना, इनके अंदर मैंने खुद देखा है कि मुंह के अंदर कुछ भी नहीं है, ये खुद अपनी आवाज़ निकाल रहे हैं। बहुत ही प्यारा शो कर रहे हैं। तो आप लोग ब्रंच रोड पर आप एनी टाइम वहीद कबाब के पास जो है ये आपको मिलेंगे, आप खुद भी आके मिला सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जी तो वापस आते हैं अपने गाजर के हलवे की तरफ। ये बहुत ही मजे का गाजर का टाइम आ रही है, थर्ड टाइम आ रहे हैं गाजर के हलवे की वजह से। 300 रुपए पाव ये एक पाव, ये गाजर का हलवा दीजिएगा और ये छोटे वाले गुलाब जामुन। जी नहीं, ये प्लेट में ही दीजिएगा। और गुलाब जामुन छोटे वाले कितने लेने हैं? छोटे वाले सबके लिए 6 ले लेते हैं। 6 डालिएगा छोटे वाले। और वो क्या चीज है? ये कौन मखाने का है? कौन मखाने का हलवा है? माश की दाल का है। अच्छा, ये माश की दाल का हलवा है मखाने के साथ। मजे का हो। और ये इन्होंने गाजर के हलवे के ऊपर क्या डाला है? ये मलाई है भाई, दूध की। ओए होए, मलाई डाली। मजा आएगा, एक बाइट चखे तो सही। किसमें?
मलाई गाजर के हलवे में लिया है, तभी तो दोबारा आए हैं भाई, और हम इसको साथ में खाते हैं भाई। मेरे कोयला मटन चाय है, सर्जी कॉफी है, कश्मीरी चाय, चॉकलेट चाय, रिंगार ये फूड स्ट्रीट देखे, फल बहुत ज्यादा रश है भाई। अब हम जा रहे हैं भाई आइसक्रीम के लिए। क्या क्या चीज है आपके पास? सादा रबड़ी, सादा रबड़ी, पिस्ता फ्लेवर रबड़ी, खीर मलाई, लबे शीरी, खोया, खोया अलग से भी मिलता है। और ये कितने की? गाजर के भी यूज करते हैं। ये कितने का? ये 320 रुपए पाओ, सादा रबड़ी 300 रुपए पाओ, लबे शीरी 200 रुपए पाओ, खीर मलाई 200 रुपए पाओ। ओके सही है, थैंक यू। पैसे दे दो दे दे ये बर्गर्स। ये आ रहे हैं, ये मटका फ्राइज बना रहे हैं। मटका फ्राई कितने की? नूरानी मटका फ्राइज। ये मटके पड़े हुए और ये फ्राइज बन रही हैं। थैंक यू। यही बैठ के खाना है, बैठ के खाना है जी। तो हम सॉफ्टवेयर, जो मेरी बहन ने आइसक्रीम मंगवाई है, उसका वेट कर रहे हैं। अंदर लाइन लगी हुई है, मंगवा ली है आइसक्रीम, मंगवा ली है। परफेक्ट। क्या क्या पीक है, क्या मीट है? ये जो उन्होंने ऊपर से खोया डाला है ना मेल्टेड, हाँ ये थोड़ा पीका है, और ये जो है इसका बिल्कुल बैलेंस है मीठा, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, इसीलिए बेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नाम था इसका? गुलाब दुकान का? क्या था अभी के लिए? मीठा कम है। और ये कैसी है आज? ये गुलाब जामुन गरम गरम मीठी मज़ेदार। और ये अगर इसके साथ मिक्स करके खाएं तो ये डायबिटीज पक्की। ये ले, ये जनाब इसकी आइसक्रीम आ चुकी है। कौन सी वाली मंगवाई है? बेसिक चॉकलेट, मतलब एक ही मंगवाई है। अच्छा जी, इस हैपनिंग स्ट्रीट पे जो है ये टांगे वाला खड़ा हुआ है, और एक चक्कर देने के आपके 500 रुपये लेगा। आपको जिसको शौक है राइड का, नहीं बेटा, जिसको शौक है राइड का वो ले सकता है इसका। ये मैं आपको थोड़ी स्ट्रीट दिखा देती हूँ। ये देखो बहुत कुछ है अभी तो। 500 रुपये कह रहा है कि ये जो कबूतर चौक वो है ना हाईकोर्ट तक, हाईकोर्ट वहाँ तक जाएगा, वहाँ से राउंड लेकर आएगा। तो मैंने लेना है कुछ तो ले, हम बैठ रहे हैं। बैठ रहे हो? ये शहजादी फील कराने के लिए अपने आप को हम बैठे, ये पम्पकिन, ये पम्पकिन डिजास्टर है, ये सिंड्रेला का पम्पकिन फट गया तो उसके बाद ये हो गया। तो कोई बात नहीं, हमारे सिंड्रेला एडजस्ट करेंगे। सिंड्रेला के हालात। हम एक घोड़े पे जो है फूड स्ट्रीट घूमेंगे भाई। है? चलाऊं? या अल्लाह, किसी गलत डायरेक्शन पे ना चला जाए मेरा घोड़ा। इसकी डोर मेरे हाथ में है जी। चल मेरे घोड़े, हाई कोर्ट की गलियों में बहुत प्यारी बांसुरी बजाई है इन्होंने। ये अंकल ले ले, मुझसे नहीं चलेगा। वही है उसमें, वही अमर गिफ्ट खड़ा हुआ।
ये सफेद गाड़ी बच्चों को ले बस ये रे बस यहीं पे भूरिया आ जाऊं ये पकड़ा अम्मा ले लेता भूरिया उमर दोनों आ जाए ऊपर आ जाओ और ये आइसक्रीम नाना बेटा ये देखिए हमारा बादशाह ऊपर चढ़ गया है भाई अब ऐसे करो ऐसे ऐसे करो चलो 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी तो जनाब ये था आज का हमारा व्लॉग आज जो हम घोड़े की राइड पे बैठे थे तो मेरा मोबाइल वहाँ पे डेड हो गया था और बार बार बैटरी जो है ना बोल भी रही थी कि बहन चार्ज कर दो और मैंने सुना ही नहीं और चार्ज ही नहीं किया और जो है वो बैटरी एंड हो गई और जो है मतलब बंस रोड को अब इतनी हैपनिंग सी स्ट्रीट बना दिया गया है बहुत ही मतलब इतनी रौनक वाली जगह है एक तो देखें फर्स्ट जो मेरी फेवरेट तरीन स्ट्रीट है वो है पोर्ट ग्रैंड की और अब सेकंड जो है मेरी ये वाली फेवरेट तरीन क्योंकि बर्न्स रोड मेरे ख्याल से बहुत सालों से सुन तो रहे थे कि ये एक बहुत मशहूर और बहुत पुरानी स्ट्रीट है लेकिन जाना इतना नहीं हुआ एक दफ़ा गई थी लेकिन व्लॉग नहीं बनाया मैंने इस बार सोचा कि व्लॉग बनाऊँ और पूरा जो है सही तरह से एक्सप्लोर करूँ तो आज मुझे सही तरह से एक्सप्लोर करने का मौका मिला और जो है बड़ी मज़े की और ख़ास तौर पे ना वहाँ पे एक अच्छी चीज़ मुझे लगी कि जितने भी दुकानदार हैं या जितने भी स्टाफ है ना वहाँ का जो हमने प्लेटर खाया था इतना मज़े का कोई प्लेटर था लेकिन स्टाफ की जो कस्टमर सर्विस थी वो उससे ज़्यादा अच्छी थी इतने कोऑपरेटिव लोग हैं अगर वीडियोज़ बनाने के लिए आप जाएँ तो वो बहुत कोऑपरेट करते हैं और थम्स अप करके आपसे बात करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे बल्कि एक्स्ट्रा जो है ना वो आपको एक्सप्लेन करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त थी और इतनी यूनिक सी चीज़ें मटका चाय मटका कुल्फ़ी मटका जो है वो फ्राइज़ कराची में जो है ना आजकल मटके में हर चीज़ बन रही है मैंने तो ये नोट किया है और ख़ासतौर पर वहाँ पर तो तकरीबन हर चीज़ मतलब फूड स्ट्रीट में इससे पहले हम लोग गए थे तो वो चाट और गोलगप्पे वगैरह ये चीज़ें खाई थी तो वो भी बहुत मज़े की थी और आज ख़ास तौर पे हम इस प्लेटर के लिए गए थे जो कि हमारा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है अमेजिंग खाना भी मज़े का इनकी क्वांटिटी क्वालिटी बेस्ट और इतना बजट फ्रेंडली तो आई रिकमेंड कि आप लोग ज़रूर जाएं अगर थोड़ी रौनक की जगह पे आप जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट जगह जहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी तो ब्रांड्स रोड एक्सपीरियंस हमारा बहुत ज़बरदस्त रहा हर हफ्ते जो है हम कहीं ना कहीं जाते हैं और हम लोग बस यहाँ से निकलते हैं अचानक का प्लान बनता है इसलिए मैं पहले से कोई व्लॉग की तैयारी नहीं करती वहीं पे जाके हम लोग जो है वो पूरी फैमिली मुझे सजेस्ट करती है कि ये बनाओ वो बनाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन इतना अच्छा रहा अच्छा हाँ हम लोग निकले थे और इससे पहले जो है हम लोग कहाँ गए थे डॉल्मिन मॉल गए थे और डॉल्मिन मॉल में वहाँ मुझे कौन मिले फाहद मुस्तफ़ा के अब्बू बहुत से लोग शायद ना जानते लेकिन जो सिंधी फैमिलीज हैं वो जो लोग ड्रामास देखते थे तो पुराने ज़माने मतलब वो सलाउद्दीन तुनियो मैं उनके साथ अब मेरे जहन में आ रहा है कि यार थोड़ी सी वीडियो तो बना देनी चाहिए थी कुछ तो सवालात मतलब जैसे इंटरव्यू छोटा मोटा क्योंकि कुछ हमारे जो एक्टर हैं जिसमें जिनको हम बचपन से देखते थे और वो जो हैं इतने टाइम से आ नहीं रहे तो थोड़ा बहुत मतलब वो बहुत अख्लाक से बात करते हैं उनमें इतनी जो है झुकाव होता है इतना ज़्यादा बहुत तरीके से आप लोगों से बात करेंगे कोई मैं अपना भी आपका अख्लाक होना चाहिए कि यार पहले मैंने इनसे यही पूछा है कि सर डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको और इस तरीके से ना
तो मेरे पास उसकी कोई वीडियो तो नहीं है, एक पिक्चर ली थी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और दूसरा ये कि दिमाग कभी कभी जो है ना बाद में चलता है कि यार ये कर लेना चाहिए था। और डॉल्फिन गए वहाँ पे क्योंकि हम लोग नीचे जो है कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, हम लोग ने जल्दी निकलना था, असर का टाइम था, उसमें हम लोग पहले डॉल्फिन गए, वहाँ पे हल्का फुल्का कुछ खाया पिया, बच्चों ने खेला, हल्की फुल्की घर की चीज़ें ली, नाश्ता वगैरह लिया। उसके बाद जो है अचानक से प्लान बना था कि ब्रांच रोड चलें, और वो अचानक वाला प्लान इज़ द बेस्ट, मतलब हमेशा बेस्ट होता है। तो खैर यहाँ पे हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं, और मुझे आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा। और मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग भी इस फूड स्ट्रीट को ज़रूर ट्राई करें। और व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और व्लॉग में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।